आगे बढ़ते हैं। स्टिंग ऑपरेशन करने वाले कोबरा पोस्ट ने दावा किया है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए प्लानिंग की गई थी। कोबरा पोस्ट 23 लोगों के स्टिंग ऑपरेशन का दावा कर रही है और उसका कहना है कि राम जन्मभूमि आंदोलन पूरी तरह से प्लान्ड था। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि जैसे संवेदनशील विवाद पर एक प्रायोजित स्टिंग ऑपरेशन कराया गया है और उस प्रायोजित स्पॉन्सर्ड स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से देश के शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण चुनावी माहौल में जहर घोलने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हमने चुनाव आयोग से सुबह बात भी की और चुनाव आयोग को हमने पत्र भी लिखा है, इसलिए चुनाव निष्पक्ष हो, भयमुक्त माहौल में हो, शांतिपूर्ण माहौल में हो, ये चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग को तत्काल चाहिए कि इस तरह की शरारतपूर्ण साजिश जो भी कर रहा है उसके खिलाफ चुनावी कानूनों के तहत कार्रवाई करें और साथ ही साथ ऐसे किसी भी शरारतपूर्ण सामग्री को के प्रकाशन और प्रसारण पर तत्काल रोक लगाएं। मुझे इतनी कहना। तो बीजेपी का कहना है कि स्टिंग ऑपरेशन को तुरंत रोक देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बाकी के जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं कि इस तरह की रिसर्चेज, इस तरह के इंकशाफात, इस तरह की रिवीलिंग किस्म की बातें पहले भी बहुत बार आ चुकी हैं। 22 साल पुराना ये वाकया है और बहुत देश के अंदर इसके ऊपर बड़ा हंगामा हुआ, बहुत खून बहा है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन के वक्त में इस तरह की कोई भी रिपोर्ट आती है मैं उसको इलेक्शन से जोड़ करके देखता हूं। ये भी उसी ध्रुवीकरण करने की राजनीति का हिस्सा है, इस किस्म की चीजें जो इस वक्त देश में बड़ी तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी फैलाने की कोशिश कर रही है। चुनाव के समय इस तरह के धार्मिक मुद्दे उठते हैं। जहां तक राम का प्रश्न है, राम इस देश का कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। राम हमारे पूर्वज हैं और कोई भी देश अपने पूर्वजों की विरासत को संभाल के संजो के रखता है, उसको सम्मान देता है। और राम सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मुद्दा है, उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आखिर ठीक चुनाव से चार दिन पहले, पहले फेज की जब वोटिंग होने जा रही है, इस प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन ऐसी घटना के बारे में जिसकी पूरी जांच हो चुकी है और जिस पर मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, आखिर उसको प्रस्तुत करके और क्या माहौल देश में बनाने का प्रयत्न हो रहा है, यह जरूर मुझे षड्यंत्र दिखाई देता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें पूरी जांच हुई है, जांच में कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, दोनों मुकदमे चल रहे हैं, न्यायालय जो भी निर्णय करेगी उसका सामना किया जा रहा है। चुनाव आते ही बाबरी मस्जिद वाले मुद्दे को फिर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। हमें लगता है कि इस खबर के जरिए पुराने जख्मों को फिर जिंदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के इशारे पर हो रहा है। ये सारी खबरें चुनाव को प्रभावित करने के लिए छापी जा रही हैं, छपवाई जा रहे हैं। हमें लगता है चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। मोटिवेशन हो सकता है मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण मोदी के, तो मोदी के और भाजपा के विरोध में मुसलमान वैसे ही हैं। क्यों है ये पता नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ लोगों की आदत होती है छाती पीटने की, फितरत होती है, उनका सियापा करते रहते हैं तो सियापा कर रहे हैं, जिंदा रखना चाहते हैं बस। बाकी जो है वो जहां तक तुष्टिकरण का प्रश्न है और मुसलमानों को प्रसन्न करने का प्रश्न है, तो कोई पार्टी भारत की ऐसी नहीं है जो मुसलमानों को अधिक से अधिक लॉलीपॉप न दे रही हो। मुझे लगता है कि इस मामले में लोगों में एक सहमति बने, जहां कहीं भी विवाद की स्थिति है उसका समाधान करने के दिशा में प्रयास होना चाहिए। अनावश्यक रूप से गड़े हुए मुर्दों को अनलगल प्रलाप करने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। जो कुछ कोबरा पोस्ट ने दिया है ये सिर्फ एक सपोर्टिव एविडेंस है और करोबरेटिव एविडेंस है उन बातों की जो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है और नरसिम्हा राव इसमें शामिल थे। नरसिम्हा राव को हम लोगों ने हमेशा कहा कि शामिल थे, हिंदुओं में, सेकुलर हिंदुओं में, उस बात को जो वो लोग भूल रहे थे। और इस वक्त एक बीजेपी को ये एडवांटेज मिल रहा था कि ये इशू नहीं था पब्लिक, इसलिए हो सकता है उनको कुछ इस पर डिसएडवांटेज हो जाए। कोबरा पोस्ट का जो स्टिंग ऑपरेशन है, हम ये समझते हैं इसने इस बात को एक बार फिर से वाजे कर दिया है कि किस तरीके से संघ परिवार के मुख्तलिफ विंग्स ने बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए प्लानिंग की थी
और एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत मस्जिद को शहीद किया गया। ये बात उस वक्त से जाहिर हो गई थी कि नरसिम्हा राव और बीजेपी के बड़े लीडर्स इसमें हैंड इन ग्लव्स हैं और सब लोग शामिल हैं और सबने मिल करके इतनी बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी की है। इस वजह से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के उस वक्त के लीडर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो दिखाएंगे हमारी खास पेशकश चुनाव चरित्र।